जो लोग सबसे बुरा पीछे पीछे आपके बोलते हैं ना, जब आप कामयाब हो जाएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, सबसे पहले आपके दरवाजे पे मिठाई लेके वही मिलेंगे। दुख सबसे ज्यादा रिश्तेदार को होता है और वो चाहता है कि वो आपको और दुखी करे। वो असल में पूछते नहीं है, वो असल में वो ताने देते हैं। मतलब आप अपने आप को इतना सक्सेसफुल बना लो कि आपकी कामयाबी आपकी शोर में चले। बिल्कुल, इंस्पेक्टर बनने के बाद बुलाना है हवेली पे। और किनको बुलाना है? उन सभी को बुलाना है जिन्होंने आपसे ये पूछा, ठीक है, पता है ना क्या पूछा, जब घर जाते हो तो अभी तक कर क्या रहे हो। ठीक है, वो असल में पूछते नहीं है, वो असल में वो ताने देते हैं। ये बात आप लोगों को ही पता, अभी छठ का टाइम आएगा, दिवाली का टाइम आएगा, बच्चा जाना नहीं चाहता है घर, वो इस वजह से नहीं जाना चाहता। देखो, दो रीज़न होते हैं, अभी छठ और दिवाली का समय आएगा, छुट्टियाँ होंगी, छुट्टियाँ होंगी यहाँ पर, तो जितने बच्चे बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे घर जाने की सोचेंगे, लेकिन बड़ा इच्छा होगा, बड़ा खुशी होगा यार, घर जाते हैं घर जाते हैं घर जाते हैं, एकदम मम्मी पापा से मिलेंगे, रिश्तेदारों से मिलेंगे, दोस्तों से मिलेंगे, अच्छा लगेगा। और इस खुशी में बेचारा वो घर भी जाता है, लेकिन पहले दिन जब वो घर पहुँचता है तो सवाल क्या होता है। ठीक है, घर वाले तो हमेशा सलामती चाहते हैं, वो पूछते हैं कैसे हो, क्या नहीं हो, माँ को आपको देखकर खुशी मिलती है। दुख सबसे ज्यादा रिश्तेदार को होता है और वो चाहता है कि वो आपको और दुखी करे। पहला सवाल, बेटा क्या कर रहे हो? ठीक है, आप बोलेंगे तैयारी कर रहे हो। अच्छा बेटा, 2 साल से शायद तुम तैयारी कर रहे हो ना? फिर आप अपने मन में थोड़ा सहमेंगे, थोड़ा सा हाँ ठीक है बोलने से सोचें, कोई बात नहीं, आराम से तैयारी करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो असल में वो आपको संतावना नहीं देते हैं, वो आपके थोड़े से मजे लेते हैं। कुछ लोग तो आपको ये भी मिलेंगे स्पेशली, और कभी कभी तो आपके घर वाले भी ऐसा काम कर देते जो शायद मुझे नहीं लगता कि आपके पेरेंट्स को भी ऐसा काम करना चाहिए। ठीक है, खाना खाने बैठे हैं आप नॉर्मल बैठे हैं, अरे सुन रही हो, फलाने का बेटा जो है फलाने जगह पर पोस्टेड हो गया, या फलाने की जो नौकरी है इतनी है, उनकी तनख्वाह इतनी है। भाई साहब, अंदर ही अंदर एक एस्पिरेंट घुट रहा होता है, वो ज़िंदगी मैं जानता हूँ। मतलब आप ठीक है यार, ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते। मैं अपने घर जाता था ना, तो ऐसा होता था कि मैं 2 दिन भी रुकना पसंद नहीं करूँगा। पहले दिन घर गया, देखा ठीक है, बढ़िया है, सब कुछ है यार, लेकिन इतने ताने लिमिटलेसली, और वो इनडायरेक्ट फॉर्म में आते हैं आपके पास, डायरेक्टली तो कोई बोलेगा नहीं। ठीक है, लेकिन क्या ही बोले, मतलब उन लोगों को आप जवाब दे ही नहीं सकते। आज के टाइम पर मैं आपको बताऊं तो मैं अपनी सक्सेस से उनको जवाब देता हूं। मैंने आज तक कभी किसी को मुंह से जवाब नहीं दिया, अपने फैमिली मेंबर्स में, अपने रिलेटिव्स में, मैंने कभी किसी को उल्टा नहीं बोला, ना मैं जीवन में कभी बोलूं, मैंने ये कसम खाई थी। लेकिन हाँ, जवाब मेरी सक्सेस देगी। कहते हैं ना कि कामयाबी इतनी बना लो कि, मतलब आप अपने आप को इतना सक्सेसफुल बना लो कि आपकी कामयाबी आपकी शोर मचाए, बस वही वाली बात है। ठीक है, अभी आपको बड़ा शांत रहना है, स्पॉन्ज का बॉल देखते हो जितना दबता है और छोड़ोगे तो उतना तेजी से ऊपर उठता है, बस वही काम करना है। प्रेशर्स आएंगे लाइफ में, ठीक है, लोग दबाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, दबो, टेंशन नहीं, इधर से सुनना है, इधर से निकाल देना है, आपको पता है ना आप क्या हो। ठीक है, क्योंकि आप जो हो ना, वैसा दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, भगवान भी नहीं बना सकते हैं आपके जैसा कोई दूसरा। यार, बनाना होता तो बना दिया होता, आपको यूनिक बनाया, और आपको यूनिक बनाया तो आप बहुत तगड़ा गेम करने वाले हो, इतना समझ लीजिए। तो फिर क्यों किसी की सुननी, आप मेहनत करो यार, आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, आप बहुत ऊपर जा सकते हो, यकीन मानो। और डेस्टिनी फिक्स नहीं है यार, 1.5 साल पहले हमने नहीं सोचा था कि हम कहाँ पर जाएंगे, उसके 1 साल पहले हम नहीं जानते थे कि हमारी नौकरी लगेगी भी या नहीं लगेगी। बस मेरे हाथ में क्या था, मेहनत करना, वो मैं आज भी करता हूँ, सुबह 5 बजे तक जगा हूँ, काम कर रहा हूँ, कंटेंट है, PPT है, XYZ जितने काम है, आप भी करिए। ठीक है, जब तक आप अपने लाइफ में चीज़ों को अचीव नहीं कर लेते हैं, सेटिस्फाइड नहीं होना है, कुछ भी हो जाए नहीं होंगे सेटिस्फाइड यार, है ही नहीं। मतलब भूख इतनी है ना, मैं कल भी ऑफलाइन में ये बात बोल रहा था कि आपके अंदर भूख होनी चाहिए, और इस बात की भूख होनी चाहिए, करना है ना यार, आसान है, करेंगे ना बस। ठीक है, मतलब जब तक आप अपनी चीज़ों को अचीव नहीं कर लेते हैं ना, तब तक करना है बस मेरे भाई, अब करेंगे करेंगे, बस मेहनत करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, करेंगे। क्या हो गया, कोई बात नहीं, CHSL का पेपर था, नहीं हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, CGL का होगा, करेंगे मेहनत यार, कोई बात नहीं। प्री में थोड़े से कम नंबर आ गए, किसके नंबर कम नहीं आते हैं, मेंस तो हमारे हाथ में, हम उसमें खींच के दिखाएंगे। मॉक के नंबर से डिप्रेस हो जाते हो, ऐसे करोगे ना तो बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा यार। विश्वास रखो, आत्मविश्वास जिसको कहते हैं, 2 चीज़ें लाइफ में रखना, एक तो आत्मविश्वास और दूसरा सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आप अपनी कद्र नहीं करोगे ना तो आपका कद्र कोई नहीं करने वाला है, तो खुद की इज्जत करना सीखना, ठीक है। हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। अब सेल्फ रिस्पेक्ट को नेगेटिव वे में मत लेके चले जाना, सर ने कहा है सेल्फ रिस्पेक्ट, इसका मतलब आप अपने आप को लेके जा रहे हैं एक बड़े से मॉल में और खुद को महंगा कपड़ा पहना रहे हैं और बढ़िया खाना खा रहे हैं, सर ने बोला देख यार सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वो वाली सेल्फ रिस्पेक्ट की बात नहीं कर रहा। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आपकी भी एक डिग्निटी है कि उसके नीचे तो मत सोचो, कम से कम आपका भी एक ओहदा है कि कम से कम 10 घंटे तो पढ़ो मेरे भाई, ठीक है। तो वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसा है कि आपको किसी को नेगेटिव नहीं बोलना, दुनिया भोंकते रहे यार, बोलने दो यार, बाढ़ में जाओ, घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी बातों से, फर्क अपने आप से पड़ता है, वो वाली बात होनी चाहिए, समझ रहे हो बात को, ठीक है। मैं तो हमेशा कहता हूँ बोलने वाले थोड़ा और बोल लो, थोड़ा सा और बोल लो, ताकि मजा यार बोला किस किसने पता तो चले, ताकि कल के दिन जवाब भी तो देंगे ना उसी हिसाब से। और यकीन मान लीजिए, जो लोग सबसे बुरा पीछे पीछे आपके बोलते हैं ना, जब आप कामयाब हो जाएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, सबसे पहले आपके दरवाजे पे मिठाई लेके वही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अब अगला अपने पे आने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए
उसकी चिंता मत करो, लोगों की बिल्कुल मत सुनो। और इनफैक्ट मैं बोलूँगा, आप अपने पेरेंट्स को भी ये बात समझाइए कि भाई देख यार, मेरी ज़िंदगी है, मैं कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, अपने लिए भी कर रहा हूँ, आपके लिए भी कर रहा हूँ, प्लीज़ इतना प्रेशर मत बनाओ। और दूसरों की सुन के जो है हमारे दिमाग की बैंड मत बजाइए। पढ़ रहे हैं अपने अच्छे तरीके से, पढ़ने दीजिए, मेहनत कर रहे हैं करने दीजिए, रिजल्ट दे के दिखाएंगे।